अब तुम्हारा है। What does this mean? Sorry, you've been worried. लिगर में हमें इस फेमस रॉक सॉन्ग का रीमेक देखने को मिल सकता है और क्या लिगर में हमें अनन्या पांडे भी कुछ तेलुगु डायलॉग्स बोलते हुए नजर आ सकती हैं? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ड है एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि लिगर पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की आने वाली मूवी बॉक्सिंग बेस्ड मूवी लिगर की। साथ में हम आपको बताएंगे कि अभी तक बॉलीवुड में और कितनी ऐसी मूवीज आ चुकी हैं और उनका कलेक्शन कैसा रहा था बॉक्स ऑफिस पर। तो बॉक्सिंग से रिलेटेड हमें पहली मूवी जो देखी वो थी अपनी और इस मूवी ने काफी अच्छी कमाई की बॉक्स ऑफिस पर। फिर इसके बाद ब्रदर्स सुल्तान, मैरी कॉम और तूफान जैसी इन सभी मूवीज में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है सुल्तान ने और इस मूवी ने लगभग 623 करोड़ की ब्लॉकबस्टर कमाई की है। और अब ये देखने लायक होगा कि लेकिन इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में हमें एक रॉक सॉन्ग का रीमेक देखने को मिल सकता है और वो सॉन्ग और कोई नहीं बल्कि दिल जिद्दी हो सकता है। और अगर इस सॉन्ग की बात की जाए तो इसे हमें मैरी कॉम मूवी में सुना था और इस सॉन्ग ने काफी मिलियन व्यूज भी लिए थे यूट्यूब पर। अब इस सॉन्ग फाइनली रीमेक बन सकता है वो भी लिगर में। और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये मूवी भी बॉक्सिंग पर ही बेस्ड है और हमें ऐसे ही एक सॉन्ग की जरूरत है इस मूवी में। मगर हम बात करें कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की सबसे फेमस यंग एक्ट्रेस में से एक यानी कि अनन्या पांडे हमें इस मूवी में कुछ तेलुगु डायलॉग्स भी बोलती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस है क्योंकि लिगर एक टॉलीवुड मूवी है और साथ ही विजय देवरकोंडा को ज्यादातर तेलुगु मूवीज में ही देखा गया है और इस वजह से अनन्या पांडे जरूर कुछ ऐसी डायलॉग जरूर बोल सकती है इस मूवी में। साथ ही अनन्या पांडे ने इस मूवी के लिए तेलुगु सीखी भी है और उनकी एक्टिंग इस मूवी में हमें काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा अब की बार उठाया है करण जौहर ने। और ये बात हम सभी जानते हैं कि करण जौहर ना सिर्फ एक अच्छे डायरेक्टर है बल्कि वो एक अच्छे ट्रेनर भी है जिन्होंने आज तक कई बड़े बड़े एक्टर्स को ग्रूम करके उनकी जिंदगी बदल दी है। तो चलिए अब आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं अनन्या पांडे को इस मूवी में तेलुगु बोलते हुए देखने के लिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज फॉर वॉचिंग मोर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग अपकमिंग मूवीज एंड वेब शोज़।